हाय गाइस, वेलकम टू सर्किट ट्रेडर्स। सर्किट ट्रेडर्स के अंदर आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। कल मार्केट चढ़ेगा या गिरेगा, ये मौका हाथ से जाने मत दो। ऐसे कौन सी मौका है, क्या मौका है, कहाँ पे बाइंग करना है, कॉल ऑप्शन बाइंग करना है या पुट ऑप्शन बाइंग करना है, आपके पास क्या है, कॉल है या पुट है, ये तमाम जानकारी अगर आपको पाना चाहिए तो ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। बहुत 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 क्लियर प्राइस एक्शन यहाँ पे छुपा हुआ है, और मार्केट में सिर्फ प्राइस एक्शन ही नहीं चलता है, साथ में और भी कुछ हमें देखना होता है। तो सारी चीज़ मैं बात करूंगा इस वीडियो के मतलब से। चलिए गाइस, सबसे पहले देखते हैं कि ऑप्शन चेन हमारा किस तरफ धकल रहा है। तो गाइस, सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन के ऊपर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए 43,300 राइट, 43,300 और 43,400, 43,500। अगर हम कॉल साइड में बात करें गाइस, आपको ऑप्शन चेन देखना आता है नहीं आता है? 50% को आता है और 50% को नहीं आता है। चलो गुड, कोई बात नहीं, जिनको नहीं आता है ना, बने रहिए। आपको क्लियरली वीकली एक दिन मैं ऑप्शन चेन के ऊपर ब्रीफली डिस्कस करता हूँ। ओके, होता क्या है, जो कॉल साइड है ना, इस कॉल साइड में जितने भी फिगर्स होता है, जो एट द रेट मनी, ये होता है एट द रेट मनी जहाँ पे कलर डिवाइडेशन हुआ है, इससे जो ऊपर वाला प्राइस होता है ये कॉल के लिए आउट ऑफ द मनी है। तो आउट ऑफ द मनी में अगर हमें ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है तो क्या हो रहा है, आउट ऑफ द मनी पे रेजिस्टेंस खड़ा हो रहा है। ओके, ये क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सेलर इंक्रीज़ हो रहा है राइट। तो 43,500 पे और 43,400 पे सेलर इंक्रीज़ हो रहा है, और आज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, आज का दिन पे क्या चेंज हुआ है, तो आज का दिन पे भी सेलर अच्छा खासा यहाँ पे ऐड हुआ है राइट। कॉल ऑप्शन पे सेलर ऐड हो रहा है तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, क्या गाइस पुट ऑप्शन पे सेलर ऐड हो रहा है? हाँ हो रहा है, बट इस कॉल साइड में जितनी ज़्यादा हो रहा है उतनी ज़्यादा नहीं हो रहा है। और सपोर्ट कहाँ पे जा रहा है गाइस, सपोर्ट जा रहा है 43,000 पे, 43,000 पे सपोर्ट जा रहा है। तो हमें अभी ये देखना है, देखो ये हमारा ऑप्शन चेन से व्यू आया है, अब हमने चार्ट से क्या व्यू लेना है। देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट मैं ओपन करूँगा, तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक प्राइस एक्शन छुपा हुआ है। क्या है पता है, मैं कई बार आपको समझाया हूँ डेमो क्लास में और वीडियो के अंदर भी, कि जिस रेंज के अंदर मार्केट रह रहा है उस रेंज को अगर आप यहाँ डाउन ब्रेक करेगा ना, तो बहुत अच्छा डाउन साइड या अपसाइड मिल सकता है। तो फिर क्या मिल गया आपको यहाँ से, जो मार्केट में कब ट्रेड करना है, कौन सी ऑप्शन पर ट्रेड करना है। निफ्टी के अंदर कुछ क्रिटिकलनेस है, क्या क्रिटिकलनेस है वो मैं बात करूंगा। तो चलिए गाइस, फिलहाल बैंक निफ्टी का व्यू क्या मिल रहा है आपको, कल मार्केट को हमें ओपन होने का इंतजार करना है। फिलहाल ऑप्शन चेन से जो डेटा है वो हमारा नेगेटिव साइड में है, और ग्लोबल मार्केट से सबसे बड़ी जो न्यूज़ आने वाला है वो क्या है, वो है फेड मीटिंग। अभी वो न्यूज़ आपको रात को नहीं आने वाला है, तो उसके ऊपर बहुत सारे कुछ डिपेंड कर रहा है मार्केट का। ओके, जो क्या होने वाला है इस बार, अभी तक कोई एग्जिट पोल या फिर कोई व्यू अभी तक मार्केट में नहीं आया है कि क्या करने वाले हैं वो लोग, तो जस्ट हमें उसका इंतजार करना चाहिए कि क्या रिजल्ट आ रहा है। कंटिन्यू मार्केट अपसाइड में जाता हुआ दिखाई दिया है, और इस कंडीशन पे आप अगर ऑन डे टाइम फ्रेम देखोगे ना बैंक निफ्टी का, तो यहाँ से बहुत क्लियरली आपको क्या दिख रहा है, देखो क्या दिख रहा है कंटिन्यू। देखो ऐसी जगह पे आप बोलोगे सर यहाँ पे भी रेड कैंडल बनाया था तो नीचे आना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए था। देखो ओपनिंग नीचे हुआ था लेकिन थोड़ा सा नीचे आके फिर रिकवर हो गया था। ओके, तो कंटिन्यू तीन दिन मार्केट अच्छा खासा ग्रीन होने के बाद आज अच्छा खासा बेयरिश कैंडल बना हुआ है। तो इन तमाम व्यू से क्या है, तमाम चीज़ों से बैंक निफ्टी के लिए मेरा व्यू जो लगता है वो है कि थोड़ा सा डाउन ओपन हो सकता है। अगर देखो यहाँ पे सबसे बड़ी मौका क्या है वो मैं बहुत क्लियरली समझाऊंगा आपको, और देखेंगे कि कभी भी मार्केट में दो तीन दिन का जो चढ़ावा है ना वो एक दिन में गिर जाता है, एक दिन में गिर जाता है, देखें आप लोगों ने, तो वो सिनारीज बताऊंगा जो वो क्यों होता है। चलो गाइस, तब तक हम देख लेते हैं निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है। तो निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है, देखो ये हमारा फुल टेक्निकल चार्ट जिसे हम 10 दिन ऑनलाइन क्लास के अंदर समझाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि आज रेंज बाउंड मार्केट रहेगा या कॉल ऑप्शन पे कौन सी सपोर्टिंग लेवल रहेगा बाइंग का। जिन्होंने गाइस आज का हमारा टेलीग्राम चैनल का लास्ट कॉल को बाइंग किए हैं, यानी कि 18,200 का पुट को बाई किए हैं, यहाँ पे बोला है रिस्की ट्रेडर कैन होल्ड, यानी कि मार्केट का सिचुएशन मुझे ऐसे कुछ लगा है जो थोड़ी बहुत रिस्क लेना चाहते हैं वो होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज हमने होल्ड का सलाह कभी नहीं देते हैं। ओके, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे एक पेड सर्विस से भी बेहतरीन सर्विस आपको दिया जाता है कंटिन्यू। आप अगर नहीं ज्वाइन किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक से ही ज्वाइन कीजिएगा, अदरवाइज सर्च करके ज्वाइन मत कीजिएगा। हमारे चैनल के नाम पर बहुत सारे फेक चैनल बना हुआ है, फ्रॉड हो रहा है आप लोगों के साथ, तो उनसे बचिएगा। ओके, चलो गाइस देखते हैं यहाँ पे फुल टेक्निकल क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पे जब ये डाउन ब्रेक करेगा, ये क्या है बोलिंजर बैंड राइट, ये है फुल्ली बोलिंजर बैंड। अब बोलिंजर बैंड जब इस नैरो सिनेरियो बनता है ना तो मार्केट में बड़ा मौका आता है। ओके, तो कल का मॉर्निंग पे सिर्फ हमने यही देखना है कि इससे नीचे ओपन हो रहा है क्या, अगर इससे नीचे ओपन होगा ना तो यहाँ पे है 50 डेज लाइन, तो यहाँ तक आने का चांसेस होगा आपको। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट में 50 डेज लाइन कहाँ पे है, 18,058 पे है, तो यहाँ से ब्रेक होकर अगर थोड़ा सा सस्टेन कर गया, यहाँ पे यहीं पे ओपन हुआ,
तो इसके बाद अगर इसका डाउन ब्रेक हुआ, जिस कैंडल का नीचे डाउन ब्रेक हुआ उस कैंडल का लो के ऊपर अपने पुट ऑप्शन बाइंग करना है, और का टारगेट हमारा मिल सकता है 18,060 के नियर अबाउट, 18,060 के नियर अबाउट फर्स्टली। और जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे आपको क्या देते हैं, टेलीग्राम चैनल पे आपको बहुत क्लियरली नेक्स्ट डे का लेवल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे लेवल बहुत क्लियरली दिया हुआ है, मार्केट का क्लोजिंग कहाँ पे है 18,135, और कल का पी लेवल कहाँ पे जा रहा है, बिल्कुल वही लेवल पे जा रहा है, ओके 18,137। तो इस लेवल से नीचे अगर मार्केट रहेगा तो यहाँ से मेरा फर्स्टली टारगेट कहाँ जा रहा है 18,094। ये क्या है, ये एक डेटा कैलकुलेशन है कि कल का पिवट लाइन कहाँ कहाँ पर बन सकता है, पिवट एनालिसिस शायद आपको पता होगा। तो यहाँ पे फर्स्टली सपोर्ट जाता है 18,094, और उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट जाता है 18,058। गाइस देखो ध्यान से सुनो, अगर मार्केट ज़्यादा गैप डाउन होता है, अगर ज़्यादा डाउन हो जाता है और फर्स्ट 15 मिनट में ये 58 लेवल को डाउन ब्रेक कर देता है, तो समझ लेना आज आपको बहुत बहुत चांदनी मिलने वाला है, ठीक है, पुट साइड में बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है। क्योंकि कंटिन्यू मार्केट अप होने के बाद आज एक थोड़ा सा गैप अप होकर रेंज बाउंड में रह गया है, और कल अगर इस रेंज बाउंड को डाउन ब्रेक होता है, इसे मैं और क्लियरली समझाऊंगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि कॉल साइड आप कब रहोगे, कॉल साइड तभी रहोगे जब इस रेंज को ब्रेक करेगा, ठीक है। और सेकेंडली उससे भी पहले रिस्क लेना चाहते हो तो 18,137 के ऊपर अगर इसके ऊपर अगर स्टेबल होता है और 5 मिनट का हाई ब्रेक होता है, 5 मिनट से पहले तो ट्रेड लेना ही नहीं है, 5 मिनट से पहले आपको ट्रेड लेना ही नहीं है, ओके। तो 5 मिनट अगर यहाँ पे कोई स्टे कर जाता है, उसका हाई ब्रेक होता है, तब यहाँ तक का एक टारगेट आपको बन सकता है। अदरवाइज 5 मिनट में अगर इस हाई को ब्रेक करता है तो 18,200 का हमारा पॉजिटिव साइड रहेगा, ओके। और इस रेंज को डाउन ब्रेक करेगा तो हमारा क्लियरली डाउन साइड व्यू रहेगा। अब देखो बहुत क्लियर है, हम हैं इंटरडे ट्रेडर्स, हमें ओवरनाइट में कुछ मतलब नहीं है, ओवरनाइट कभी करना नहीं है, ठीक है, ओवरनाइट कभी करना नहीं है। मार्केट को ओपन होता तो 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट तक मार्केट को देखो, बेटर सपोर्ट पॉइंट समझो और बाइंग करो, क्लियर। दो जगह पे बाइंग करना है, सपोर्टिंग पे और ब्रेकआउट पे। तो ब्रेकआउट पे कोई कोई बार आपको धोखा लग जाता है, तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है सपोर्टिंग पे, ओके। सो गाइज आप समझ रहे हो कि ये पूरा चार्ट एक दिन में समझाना या 10 मिनट में समझाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो जितने हो सका मैं यहाँ पे समझाया आपको कि किसके बाद क्या हो सकता है। सिमिलरली बैंक निफ्टी के ऊपर अगर हम 5 मिनट का चार्ट ओपन करेंगे तो बैंक निफ्टी का 5 मिनट के चार्ट में जो सिनारीज यहाँ पे लग रहा है कि आपको जो 50 डेज मूविंग एवरेज है, गाइज 50 डेज मूविंग एवरेज कहाँ पे है, ना 50 डेज मूविंग एवरेज है 43,400 इस जगह पे, बिल्कुल इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे। तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस आपको बनेगा, ये रेजिस्टेंस बनेगा, और सपोर्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा ना, 15 मिनट का चार्ट में, 15 मिनट का चार्ट में 50 डेज कहाँ पे है, तो 15 मिनट का चार्ट में 50 डेज है आपको नियर अबाउट 200 पे, तो 43,200 मतलब इस जगह तक पॉजिटिव आता है। तो केयरफुल रहिए, और यहाँ से अगर डाउननेस होता है, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा सा डाउन मूवमेंट आ गया है, थोड़ी सी डाउन मूवमेंट, ये मोमेंटम जब तक ना पॉजिटिव होगा तो हमें कॉल साइड में नहीं जाना है, ओके। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट अगर नीचे आता है तो 200 तक नियर अबाउट हमने एक टारगेट बैंक निफ्टी के लिए रख सकते हैं कि यहाँ से डाउन होने का फर्स्टली टारगेट मेरा 200 के करीब रहेगा। 200 पे ब्रेक करेगा फिर हमारा साइकोलॉजिकल लेवल हो जाएगा 43,000, और उसके साथ साथ जो हमने यहाँ पे लेवल दिए हैं उसको जरूर ध्यान देना कि यहाँ पे क्या क्या लेवल हमने प्रोवाइड किए। तो देखिए यहाँ पे लेवल को ध्यान देना, और इसके साथ में अगर टेक्निकल मिलाना चाहते हो, मूविंग एवरेज मिलाना चाहते हो, तो आप मिला सकते हो, ओके। तो कल का सिनेरियो क्लियर हो गया। अब मैं बताता हूँ निफ्टी के ऊपर क्या क्या क्राइटेरिया है। तो गाइस निफ्टी के ऊपर मैं ऑन डे का टाइम फ्रेम बनाऊंगा, और यहाँ पे क्या आज अभी भी ग्रीन जोन पे है। अगर RSI देखोगे तो RSI 73 है, यानी कि बहुत ज़्यादा ओवरबॉट सिनेरियोस में नहीं गया है, प्रीवियस हाई के ऊपर स्टे कर रहा है। ये तमाम चीज़ है ना निफ्टी के लिए पॉजिटिवनेस है, ओके। कभी कभी हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा नहीं चढ़ रहा है लेकिन निफ्टी पॉजिटिव जा रहा है, उसका कारण क्या होता है, उसका कारण होता है कि निफ्टी का जो हैवी वोल्टेज रिलायंस एंड IT सेक्टर ये मजबूत होता है। तो IT बहुत ज़्यादा मजबूत है, और इस मई सीरीज में IT आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। क्यों देखो इतनी सारी एनालिसिस मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ज़रा समझिए। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, इसी के बीच में जहाँ तहाँ अपने कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बाय कर लेते हैं, जहाँ पे आपको स्टॉप लॉस बहुत जल्दी लेना होता है, बट टारगेट देखो हम उल्टा काम करते हैं, ठीक है, हम उल्टा काम करते हैं। स्टॉप लॉस ढूंढना सही है लेकिन टारगेट भी आपको बड़ा रखना का जरूरत होता है कि हमें अगर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ तो मैं 10 पॉइंट का टारगेट लेकर निकल मत जाऊँ, ओके, कि बड़ा टारगेट मुझे मिल पाए। तो यहाँ पे जो सिनेरियो है, CPR जो है बहुत ज़्यादा नैरो है, इसके अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ कि IT के अंदर बहुत ज़्यादा बुलिशनेस इस मई सीरीज में आ सकता है। तो IT बुलिश है और रिलायंस बुलिश है, जब तक ना इन दोनों में मैं बेयरिशनेस देखूंगा तब तक निफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा गिरावट का सिनेरियो या गिरावट का सोच मैं नहीं रखूंगा, आया समझ में। तो
तो बैंक निफ्टी अगर गिराएगा तो निफ्टी को थोड़ा खींच सकता है, और उसके साथ में आईटीआर रिलायंस अगर सुस्त पड़ जाता है तभी निफ्टी के अंदर गिरावट आएगा, तो बैंक निफ्टी में हलचल मचा हुआ रहेगा कल का दिन, और निफ्टी के ऊपर भी हलचल मचा हुआ रहेगा। सबसे बड़ी मौका जो बार बार बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी मौका क्या हो सकता है कि ऑन डे का ग्राफ बनाओ, और ऑन डे का ग्राफ में आज का लो अगर ब्रेक होगा, आज का लो अगर ब्रेक होगा तो आपको निफ्टी के ऊपर बड़ा पुट साइड का मौका मिल सकता है। आज का लो कितना है ध्यान से देख लीजिए, 18,100। अगर इससे नीचे जाता है तो बड़ा पुट साइड का मौका मिल सकता है। दरअसल जिन्होंने बड़ा मौका ढूंढ रहे थे उनके लिए ये अलर्टनेस है कि मार्केट अगर इससे नीचे ओपन होता है और 5 मिनट थोड़ा सा पॉजिटिव आ जाता है, उसके बाद उसे रिकवर मतलब दोबारा डाउन हो जाता है, तो बहुत अच्छा पुट साइड आपको मिल सकता है। करके देखिए, अगर अच्छा प्रॉफिट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू गाइस, आज का वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।